अरे योगी जी रोक लो, बस को यहीं पे रोक लो। मैं बिल्कुल भी आगे नहीं जाऊंगा आपकी बस पे, मैं बिल्कुल पीछे बैठा हुआ हूँ, मैं गिरने वाला हूँ, फिसल रहा हूँ मैं। अरे राहुल मेरी आवाज योगी जी तक नहीं पहुँच पा रही है, तुम ही बोल दो जोर से कि बस को रोक लो। अरे वैसी जी मैं कैसे बोलूं, योगी जी बस इतनी तेज चला रहे हैं आवाज पहुंची नहीं पाएगी उनके पास तक। पहली बात बस को कोई इतना ओवरलोड करता है जितना इन्होंने कर रखा है, बिल्कुल फुल है बस अंदर भी और ऊपर भी छत पे। लेकिन राहुल ये योगी जी बस रोक कैसे लगे, अब तो बस की स्पीड हल्की हो गई, लगता है रोक रहे हैं ये। क्यों रोक रहे हैं, यहाँ तो कोई स्टॉप है नहीं। अरे अमित शाह जी क्यों रोक रहे हैं, सामने देखो कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अब तो योगी जी की बस का चालान जरूर कटेगा क्योंकि ओवरलोड बस है। अरे भाई ऊपर वाले भैया जो ऊपर बैठे हो सुनो मेरी बात सुनो। जी बोलो क्या बात है, अभी हम इतनी जोर से चीख रहे थे बस को रोक लो तब तो तुम बिल्कुल नहीं बोले, अब क्यों हमें आवाज दे रहे हो। अरे भाई इसलिए आवाज दे रहा हूँ, सामने कोई इंस्पेक्टर साहब बस को रुकवा रहे हैं। अगर वो पूछे ये बस कहाँ से कहाँ जा रही है तो बता देना कि ये बस बारात में जा रही है, ये मत कहना कि किराए पे मैं सवारियों को ढो रहा हूँ। भाई मैं तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, तुमने मुझसे पिछले गांव से अगले गांव छोड़ने के पूरे 15 रुपए लिए हैं। मैं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दूंगा ये बस बारात उरात में कहीं नहीं जा रही है, ये भाई साहब बस को किराए पे चलाते हैं, भाड़े पे चलाते हैं। चलो मैं तुम्हारा किराया वापस कर दूंगा, लेकिन तुम ये बोल देना कि ये बस बारात में जा रही है। ठीक है भाई अब तो बोल ही देंगे हम, हमारा किराया वापस कर देना, फिर हमें झूठ बोलने में क्या जाता है। अरे भाई मेरा भी किराया वापस करो, नहीं तो मैं बोल दूंगा इंस्पेक्टर साहब से कि ये बस किराए पे चला रहे हैं, समझे। चलो भाई तुम्हारा भी वापस कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ध्यान से ये बोलना है कि ये बस बारात में जा रही है, बारात की सवारी है सब इसमें। रोको भाई बस को रोको, यहीं पे रोक लो बस को, यहीं रोक लो। जी सर जी बोलिए, क्या गलती हो गई हमसे, बोलिए। गलती की बात करते हो, अपनी बस की हालत देखो, ओवरलोड बस है। और ये बहाना मत बताना कि तुम बारात में ले जा रहे हो इस बस को, ये बारात की सवारी है सब। अरे प्लान ही तो फेल हो गया यहीं पे, ये तो पहले ही कह रहे हैं कि बारात का बहाना मत बताना। भाई अब तो चालान नहीं बच सकता, भाई ऊपर वालों सुनो अब तुम्हारा किराया मैं लेकर रहूंगा क्योंकि मेरा भी अब ओवरलोड में चालान कट ही जाएगा। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल ये हल्के हल्के चलना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ऐसे तो अपना 5 दिन में ठिकाने पे पहुंचोगे, कैसे हल्के हल्के चल रहे हो। अरे मैं भी तो तुम्हें कंधे पे लेके चलाता अभी 5 किलोमीटर, तो मैं ऐसे ही चलाता हल्के हल्के। अरे मैं तो इतनी तेज दौड़ रहा था और जब मेरी बारी आई तुम्हारे कंधे पर बैठने की तुम हल्के हल्के चल रहे हो। अरे 50 किलोमीटर का सफर तय करना है अपनों को, दूसरे गांव पहुंचना है। जब अपनों ने ये पिछला गांव छोड़ा था तो ये समझौता तय हुआ था कि 5 किलोमीटर मैं तुम्हारे कंधे पे चलूंगा और 5 किलोमीटर तुम मेरे कंधे पे चलोगे। अरे मोदी जी समझौता तो हुआ था लेकिन एक बात पे तो गौर करो भाई, मैं तुम्हारे कंधे पर जब चल रहा था तो मेरा वजन था 50 किलो और मैं तुम्हें उठाई हुई हूँ, तुम्हारा वजन है 1 क्विंटल, तो मैं तुम्हें कंधे पर लेके कैसे तेज चल लूंगा ये बताओ। अच्छे खासे इस गांव में जिंदगी बसर कर रहे थे, तुमने ये गांव भी छोड़ दिया। अरे भाई राहुल तुम अगर दिन भर में 20 रुपए भी कमा लो तो तुम्हारे लिए बहुत होते, हमारा इस गांव में गुजारा नहीं हो पा रहा। अरे 100 रुपए की दिहाड़ी पड़ रही है पूरा दिन में, और जिस गांव में अपना जा रहे हैं वहां पर एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपए पड़ेगी। अरे अखिलेश रसोई में कुकर रखा हुआ था, वो रख लिया था तुमने अपने इस बोरे में। अरे रख लिया था योगी जी मैंने अपने इस बोरे में कुकर को रख लिया था रसोई में से। अरे योगी जी ये बताओ मोदी जी राहुल का तो एक दूसरे से समझौता हुआ था, वो एक दूसरे के ऊपर कंधे पे चलेंगे, लेकिन अपना भी तो समझौता हुआ था कि ये बोरा मैं जो मेरे कंधे पर है 5 किलोमीटर मैं लेके चलूंगा, 5 किलोमीटर तुम लेके चलोगे। अब मैं 10 किलोमीटर से अपने कंधे पे बोरा लेके चल रहा हूँ, तुम रख ही नहीं रहे हो अपने कंधे पे बोरा, लो ये बोरा लो अब तुम, मोदी जी आप ही समझाओ। अरे योगी जी गलत बात है, हमारे तरह एक दूसरे का साथ देते हुए चलो जैसा हम और राहुल कर रहे हैं, दोनों थक भी नहीं रहे, कभी मैं चल लेता हूँ राहुल को कंधे पे लेके, कभी राहुल चल लेता है मुझे कंधे पे लेके। अरे लालू जी मिल गए ये बड़ा पकाएंगे अब। अरे मोदी जी योगी जी राहुल अखिलेश सब मिलकर कहाँ जा रहे हो, कौन से गांव में जा रहे हो, मुझे भी अपने साथ ले चलो, इस गांव में बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा है। अरे लालू जी तुम कहाँ परेशान हो गए बुढ़ापे में, यहीं पे आराम से दिन गुजारो, हम पैदल 50 किलोमीटर का सफर तय करेंगे, तुम बिल्कुल नहीं चल पाओगे हमारे साथ साथ पैदल। भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।